It was a unique story. It was really told, narrated very well. It was narrated very, very well. There's no two ways about it. बहुत यूनिक स्टोरी लाइन है. मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं आपको क्या बताऊँ कि आई वॉज एंग्रॉस, आई एंजॉयड द फिल्म. ओके, बट ऑडियंस का पता नहीं क्या हो रहा है यार, लोगों को पसंद नहीं आ रही है. OTT बर्बाद कर रही है, बॉलीवुड को क्या बर्बाद कर रही है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है. एंड इनफैक्ट दे शुड गिव चांस टू न्यू एक्टर्स. जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलनी चाहिए. अगर वो नहीं मिले तो फिर देन दिस इंडस्ट्री विल डाई वन डे. डायरेक्शन अच्छा था. अभी मैं परफॉर्मेंसेस की बात करता हूँ. आई लव द परफॉर्मेंस ऑफ जगपति बाबू. ओके, इज अ वेरी सरप्राइज एलिमेंट इन द फिल्म. ओके, पता चलता है यार ये तो ये है, पर आखिर में पता चले नहीं वो ये नहीं वो है. अब वो क्या है वो मैं, हाँ तो वो ट्विस्ट जो है मैं रिवील नहीं करूँगा, वरना इट विल बी अ स्पॉइलर, अ वेरी बिग स्पॉइलर. बट तो दैट इज व्हाट द यूनिक थिंग अबाउट द स्टोरी. वो ही चीज़ है. हाँ, द शीशा मिश्रा, अनदर वेरी प्रॉमिसिंग लेडी. शी शुड बी अ प्रॉमिसिंग लेडी. शी शुड बी गिवन अ चांस. शी इज वर्कड हार्ड ऑन अ बॉडी, शी इज वर्कड हार्ड ऑन अ स्टंट्स, शी इज वर्कड हार्ड ऑन अ परफॉर्मेंस. आई मीन इट्स अ वेरी गुड सरप्राइज. इट वॉज प्लेजेंट टू वॉच योर ऑन स्क्रीन. बिल्कुल यार, करो नया फैन फॉलोइंग बनाओ. हमेशा आप एक ही अक्षय कुमार, एक ही टाइगर श्रॉफ, एक ही उसके पे पड़े रहोगे तो क्या, औरों को भी लाइक करो. गो विथ अ न्यूट्रल फ्रेम ऑफ माइंड. डोंट जस्ट बी अ फॉलोअर. अप्रिशिएट दी आर्ट फॉर्म, देन ओनली यू विल वो रस निकाल पाओगे, यू नो. देखिए मैं आपको एक अलग बात बताता हूँ. व्हेन यू गो एंड वॉच अ क्लासिकल पीस, यू गो विथ अ डिफरेंट माइंड सेट. वो रस लेने के लिए यू हैव टू बी इन अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड. तो आपको एक अलग न्यूट्रल फ्रेम ऑफ माइंड लेके अगर आप फिल्म देखोगे, देन यू विल अप्रिशिएट आर्ट. अदरवाइज यू विल नॉट. सी, आई बीन वॉचिंग फिल्म फॉर पास्ट 35 ईयर्स. मैं 35 साल से देख रहा हूँ. यू नो आई बीन एन्जॉइंग फिल्म. मैं मेरे फ्रेंड को कल बता रहा था, आई वॉच QSQT फॉर 250 टाइम्स. I loved the film so much. The Chocolate Boy, Aamir Khan, right? Kayamat se Kayamat tak. So this is what it is. So I hope this boy gets all the blessings from the audience. My support and my love and my blessings are there with him. I will not give rating. Because main rating dunga, audience ka kuch aur reaction aayega, hit nahi hogi. तो वो मेरा मजाक उड़ जाएगा फिर. तो मैं रेटिंग नहीं देता हूँ. अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ रिकमेंडेड फिल्म. जाओ देखो, अच्छी फिल्म है, समझदार, एक अच्छा सेंसिबली बनाया हुआ है, एक अच्छा यूनिक लाइन है स्टोरी का. तो उसको अप्रिशिएट करो. अप्रिशिएट, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द आर्ट फॉर्म. अदरवाइज आपको एक टाइम आएगा, आप फिल्म, अच्छी फिल्म देखने के लिए तरसोगे. तो अच्छी फिल्म अगर नहीं चलेगी ना, फिर अच्छी फिल्म बनना बंद हो जाएगी. और जब वो बनना बंद हो जाएगी ना, तब आई एज एन ऑडियंस विल सफर. बिकॉज आई बी, यू नो, आई एम थर्स्टी फॉर गुड फॉर्म ऑफ आर्ट, टू सी गुड फॉर्म ऑफ आर्ट. ओके, हाय, दिस इज डॉक्टर राजन संगेरा. और मुझे रसलान मूवी काफ़ी एवरेज लगी. मैंने ये मूवी का ट्रेलर देखा था और मुझे काफ़ी अपेक्षाएं थी, बट कहीं ना कहीं अपेक्षाओं भी उतनी खरी नहीं हो रही. मुझे लगता है कि कंटेंट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था, एग्जीक्यूशन भी और बढ़िया हो सकता था. हालांकि आयुष शर्मा, ही हैज़ गॉट एन अमेजिंग फिजिक इन द मूवी. एक्शन सीन्स में ही शाइन्स, ही डांसेस रियली वेल. बट कहीं ना कहीं नो एक्टर कैन राइज अबव द स्क्रिप्ट. स्क्रीन पे बहुत ढीला है, बहुत बोरिंग और मोनोटोनस हो जाता है. इट इज़ नॉट वेरी ग्रिपिंग एंड एंगेजिंग जैसे होनी चाहिए थी. साथ में सुश्री मिश्रा हैं, उनका भी कुछ इतना खास रोल नहीं है. जगपति बाबू साउथ के टॉप एक्टर, वो भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए. तो द सीन्स आर नॉट वेरी इम्पैक्टफुल. एक्शन सीन्स जो फिल्माए गए हैं कुड हैव बीन मोर इफेक्टिव, बट समवेयर इट लैक्स सोल. वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द कंटेंट. इट्स नॉट वेरी रिलेटेबल. डायरेक्शन इज वीक बाय करण भुटानी. आई थिंक
इससे पहले अंतिम मूवी की थी उसमें यही आयुष शर्मा थे, कितना बढ़िया डायरेक्शन था, कितनी बढ़िया एक्टिंग थी। हालांकि वो मूवी में भी मॉडरेट बिजनेस किया था बट मुझे बहुत पसंद आई थी। लव यात्री मूवी में भी थी ये, तो ही इज़ इवॉल्विंग एज एन एक्टर बट आई थिंक ही नीड्स गुड स्क्रिप्ट एंड वो एक्शन अच्छा करते हैं, उनकी स्क्रीन प्ले बहुत अच्छी है, इज़ वेरी करिश्मेटिक, सो आई फील दैट ही कैन डेफिनेटली बी इम्पैक्टफुल इफ ही गेट्स गुड मूवीज। वही केमिस्ट्री मिसिंग थी बिकॉज आई थिंक ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड ही इज़ ऑल थ्रू द मूवी। एक्शन सीन्स बहुत अच्छे किए हैं, सेकेंड हाफ में उनकी फिजिक दिखाई गई है, बहुत ही बढ़िया फिजिक है। बट आई थिंक स्टोरी शिवा की बहुत वीक है, 3 स्क्रीन प्ले राइटर्स है, स्क्रीन प्ले भी बहुत वीक है। सो द ऑडियंस शुड नॉट, वेरी फ्यू पीपल टर्नड अप फॉर द मूवी, हाइप भी इतना नहीं था, इतना प्रमोशन नहीं हुआ मूवी का, तो कहीं ना कहीं फिर ऑडियंस विल लूज़ इंटरेस्ट, इट विल फिजल आउट। सेकेंड हाफ में एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से फिल्माए गए, जी श्रीनिवास रेड्डी का सिनेमेटोग्राफी हो, राजेंद्र भट्ट का एडिटिंग भी शार्प है, 2 घंटे की मूवी है, बट कहीं ना कहीं मुझे कंटेंट वीक लगा। विद अ हैवी हार्ट 2.5। देखो मैं देखने आया था आयुष शर्मा को और हमारे जगपति बाबू को, जैसे लगा कि साउथ की मूवी है क्योंकि जगपति बाबू साउथ में ज़्यादा काम करते हैं, तो जगपति बाबू के लिए मैं आया। तो ये बहुत सी कहानी है, कहानी तो मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट मूवी की ही बताता हूँ। बहुत से घटना इधर घटे, मेरे चप्पल के एक फीते टूट गए, वो अभी जाके सिलाऊंगा, वो टूट गए, फिर यहाँ पे आया, मैं सोचा पिक्चर चालू हो चुके, 10 से ऊपर हो गया, ऊपर गया तो कोई नहीं, अंदर गया तो खाली एकदम, 3-4 बैठे थे, मतलब टोटल मिला के 7-8 जन थे। देखो अगर पब्लिक नहीं आएगी तो हमारे थिएटर चलेंगे कैसे, इतने बड़े बड़े थिएटर है, पब्लिक आनी चाहिए, तो पब्लिक नहीं आ रही है, ये मुझे बहुत बड़ा। लेकिन हम लोग क्या फिल्मी लवर है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले, आ गए और देखे। ये मूवी जो है स्टार्ट होती है डायरेक्ट, इसमें बताया जाता है ये टेररिस्ट है, उसको मार दिया जाता है, छोटा बच्चा है, उसके बाद जो है वहाँ से स्टार्ट में डायरेक्ट लंदन बताया जाता है, राव एजेंट डायरेक्ट ये लोग पहुँच जाते हैं किस में, हॉलीवुड में, क्या वो जेम्स बॉन्ड। अब जेम्स बॉन्ड में जो ऐसा घुंघरू बाल वाली काली औरत रहती है ना, वैसी इसके अंदर एक गोरी औरत को लंबी सी उसके साथ खड़ा कर दिए, और फिर बात करने के लिए कि फिर वहाँ से जो है राव एजेंट है, तुमने 2 जन को मार दिया, अब तुमको एजेंट नहीं रहोगे, अब आ जाते हैं मुंबई में, अब हमारे एजेंट में काम करो, यही सब स्टोरी है, घिसा पीटा, मतलब सब मिला जुला करके खड़ा किया गया। और इनका जो अपने आयुष शर्मा उसका रुस्लम नाम रहता है, तो ये है कि मूवी जो है एक्शन है, आयुष शर्मा का जो एक्शन 6 देखने में मज़ा आया, कोई कमी नहीं है, डायरेक्शन में कमी नहीं, एक्शन में कमी नहीं, सब जगपति बाबू का जो काम है वो भी कमी नहीं, और जो क्लाइमेक्स मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो ओपन होता है वो झटका लग गया, बहुत अच्छा, वो खोलूंगा नहीं, वो देखो, क्योंकि मैंने खर्चा किया 110 रुपये, आप भी खर्चा करो ना 110, एक रेटिंग, बस एक रेटिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये पिक्चर तो चलने वाली है नहीं। हाँ अरे जब पिक्चर एक दिन से ज़्यादा रहेगी नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ कैसे, और पिक्चर में कुछ ऐसे रोंटे खड़े कर देने वाले चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ क्या कि आप आके देखो। हाँ ये वन टाइम वॉच है, एक्शन मूवी आप देखना चाहते हो तो आप एक जरूर देखो, भूलो मत, क्योंकि आप जो है फालतू पिक्चर देखते हो, आप इंडिया टीम बना रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, कम से कम आप 110 डाल के ये भी देख लो, IPL शाम को देखना, सवेरे मूवी देख लो, ठीक है। मैम मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी रुस्लान मूवी, पैसा वेस्ट है रुस्लान मूवी पे। गाइस सच में मैं अगर मूवी देखने गया था, 10 जन थे बस मूवी देखने के लिए, मुझे लगा भाई बराबर रहेगा आयुष शर्मा की मूवी, बट नहीं, 10 जन थे और इसमें भी कुछ बराबर मूवी नहीं थी, एंड एक्शन अच्छा था बस, बाकी तो बस साउथ का पूरा कॉपी था, और क्या बोलूँ, उनके वजह से ही कुछ अच्छा लगा थोड़ा बहुत मूवी, नहीं तो पूरा 0 लो पे थी वो मूवी। हाँ दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, बहुत अच्छे उन लोग भी, सुरक्षा की भी एक्टिंग अच्छी है, उसने भी एक्शन मूवी की है, एकदम फाइटिंग की है इसमें, जस्ट लाइक दीपिका पादुकोण, सो अच्छा ये भी। मैं 2 स्टार देना चाहूँगा।